गुरु रूप सात संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास एक लड़ी वार विचार कई दिनों तो आप जी नूं सरवण करा रहे। जित दर वसें कवन दर कही है, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। सारे दरां तो उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, कोई दसे, कोई ते उसका रस्ता दसे, कोई ते उसका मार्ग दसे। तो इसनों आधार बना के दास आप नूं सरवण करा रहे है। जो उदास नहीं वो तलाश नहीं करेगा, जो संसार तो उदास नहीं, पदार्थां तो उदास नहीं, इस जीवन तो उदास नहीं, परम जीवन दी तलाश नहीं करेगा। अगर यही जीवन सब कुछ है और ये संसार ही सब कुछ है और ये पदार्थ ही सब कुछ है और इसे दे लई जीवना है, तो फिर परमात्मा उदी जिंदगी बेमैनी हो जाता। फिर परमात्मा नू वो साधन दी तरह वरत सकदा है कि पदार्थां विच उन्नति हो जाए, चलो परमात्मा दा सहारा। संसार विच सुख शांति मिले, चलो निरंकार दा सहारा। वो सहारे दे रूप विच निरंकार दी ओट पकड़ेगा, लेकिन संसार तो उदास नहीं है, निराश नहीं। निराश बिरती उदास बिरती ये दोवें कठियां रहिंदियां ने। जो सब कुछ तो निराश हो जाता है वही अपने पास आता है, अपने नेड़े आता, उन्हें कहते हैं उदास। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोल ऐसे ही संबंध जो वो फरमान करते हैं, रे मन ऐसो कर सने आसा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। धर्म दी मूल साधना मन दी साधना। मन जितने चिर तक संसार तो निराश नहीं, ये उदास नहीं हो सकता, और ये जे उदास नहीं तो फिर ये निरंकार दी तलाश नहीं कर सकता। ये लाजमी है, ये लाजमी है। थोड़ा जहा रिपीट करना पैंदा है, कुछ नवे आते संगत दे उन्हां दा भी लिंक जुड़ जाए। एक मिनट च मैं दोहरा दें, निराश होण दे तीन साधन ने। बड़ा गहरा सरोता होवे, शब्द चोट कर जाए, इतनी अकल महान होवे कि संसार बेमैनी हो जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या फिर संसार विच कोई दुखांत घट गया, जगत तो चोट खा जाए। ये तीन ही कारण ने निराश होने दे, उदास होने दे। जोगी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज नू भी उदासी कहिंदे ने। सिद्ध गोष्ट आप पढ़ो ना, सिद्ध गोष्ट दे जोगी सारे गुरु नानक देव जी महाराज नू कहिंदे ने, किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एओ भेख निवासी, किस वखर के तुम मण जा रे, क्यों कर साथ लंघाओ पारे। ये घर बार छड़ के क्यों उदासी बने, क्यों जगत तो निराश होयो, किस कारण ग्रह तजे उदासी, किस कारण एव भेख निवासी। इस संबंध थोड़ा जहा मैं अर्ज करा। मुसलमान मुसलमान तो बिना खुदा दी गल,
खुदा का उपदेश किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहते। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जद खाना है खुदा जद्दा दिच गए, मक्के मदीने गए, करबला गए, तो केड़ा लिबास से आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्ला दारी। इस रूप में उपदेश लेना है तो आप ऐसे च दे देने, मुसल्ला भी रख ले, कूजा भी रख ले, भावे बांग सतनाम दी दिती है पर दिती है। आसा हथ किताब कछ, बगल दे सतगुरां दे एक पोथी आउंदी सी जिथे बाणी उतरदी सी आप लिख लेंदे सी। उस तो मुसलमानां नूं इह भुलेखा रहा है कुरान शरीफ है। आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसल्ला दारी, ये भेख बनाया। इस भेख नाल बगदाद देश सऊदी अरब देश वख वख जो इस्लामी केंद्र सन, महाराज ने उत्थे सच दी गल सुनाई। जोगियां कोल जद गए ते जोगियां दा भी यही नुकता निगाह है, ग्रस्ती सानू उपदेश नहीं कर सकदा। ग्रस्ती सानू परमात्मा दी गल नहीं सुना सकदा, असी ग्रस्ती कोल नहीं सुनने। तो महाराज जद जोगियां कोल गए ने, फिर बाणा उदासियां दा भगवा वेस, ताई जोगी कह रहे ने किस कारण ग्रह तज उदासी, किस कारण ए भेख ने वासी, ए भेख क्यों धारण कीता है उदासियां वाला। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदासी सन। उपराम 5 साल दे जद होए, एक दिन दिन भर लब्बे नहीं, माता जी एक घर दूजे घर तीजे घर लभदियां ने, जिथे बच्चे खेडदे ने उन्हां तो पुछदियां ने श्री चंद किधरे देखे। बच्चे कहिंदे ने साडे नाल तो खेडदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं, पड़ोसियां दे घरां च जांदे। श्री चंद ते नहीं आया सी, वो किथे आउंदा साडे घर, बुलाउण ते भी नहीं आउंदा। चिंतातुर हो गए माता सुलखणी जी, किथे गया होना, पिंड तो बाहर निकले, तलवंडी तो बाहर निकले, की देखिया उजाड़ दे चिक दरखत दे थले बैठे ने समाधि ला के। तो माता जी थोड़ा जहा डांट दे लहजे च कहने ने, इत्थे उजाड़ च की पै कर दे, बच्चियां नाल खेड़िया करो, घर दे च रहा करो, छोटा जिहा बालक। उस वक्त बाबा श्री चंद ने भी यही लफ्ज कहन जो जन्म साखी दे दर्ज ने, मां जी सब उजाड़ी ते है, उजाड़ी ते है, आपां इत्थे रौनक दे च बैठे हैं, आनंद दे च बैठे हैं। 5 साल दे बालक जन्म तो ही निराश ते उदास सन। बाबा श्री चंद दे नाल एक पंथ चलिया उदासी, और शायद आपनों पता होवे सारे देश दे च ते अफगानिस्तान ईरान ते कुछ रशिया दी स्टेटां दे च नानक पंथ दा जो प्रचार कीता उदासियां ने कीता। ये भी मैं अर्ज करा, सहजे सहजे कुछ 5% बाद दे च उदासी भ्रष्ट हो गए, धन संपदा बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, सिर्फ 5% तो इन्हां कोल गुरुद्वारे लै लए गए, नहीं तो सारे इतिहासक स्थान भी इन्हां कोल से। यह भी मैं अर्ज करा, अफगानिस्तान दे जो सिख सजे उदासियां दे प्रचार दा सदका, बड़े वड्डे वड्डे गुरुद्वारे अफगानिस्तान दे बाबा श्री चंद दे ने। एक गल वखरी है, वो श्री चंद दी धर्मसाल करके कहिंदे ने हरात दे च, कंधार दे च, गजनी दे च,
काबल दे बाबा श्री चंद जी दे अस्थान उदासी। जोगी गुरु नानक देव जी महाराज नू भी उदासी कहिंदे ने। चार जो सतगुर ने नवखंड पृथ्वी का भ्रमण किया चार दफा उन्हों चार उदासियां कहिंदे ने इतिहास दे। सतगुर ने चार उदासियां लई। हुण योगी सतगुर ते प्रश्न करदे ने किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण ए उपेख निवासी, ये बाणा क्यों पहने है उदासियां वाला। भगवा वे तुसी ग्रस्ती हो, तुहाडे बाल बच्चे ने, तुहाडी पत्नी है, ते बाणा पहने है त्यागियां, किस कारण ग्रह तजो उदासी, क्यों घर बार छोड़ देता है ते उदासी बन गयो। किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एओ बेख निवासी, किस वखर के तुम बन जा रे, क्यों कर साथ लंगाओ पारे। ए रामकली मल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ। हुण सतगुरु कहिंदे ने गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी। परमात्मा दे दर्शन वासे भेख धारण कीता है नहीं है, गुरमुख खोजत भय उदासी। उदास होया निराश होया जगत तो गुरमुखा नू लभदे पाया। थोड़े दर्शन करन वास्ते बाणा पहने है, कटाक्ष कीती है। क्यों? योगी कहिंदन सानू ग्रस्ती उपदेश नहीं कर सकता, असी ग्रस्ती कोल शिक्षा दीक्षा नहीं ले। सतगुर ने बाणा त्यागियां दा पहन ले। लंबी चौड़ी सिद्ध गोष्ठ हुई, किसे वक्त अर्ज करांगे। सारी लंबी बाणी है धन गुरु ग्रंथ साहब दे च। ते सिद्ध मामूली पद्धर दे मनुख नहीं सन, साधना कर करके इन्हां ने उमरां भी बड़ियां लंबियां कीतियां हुई सन, प्राणायाम करके कुछ सिद्धियां भी सन, इन्हां दे प्रश्न भी बड़े उच्चे सन। कहिंदे ने मनुख ये हौला है, किस तरह इहदा प्रश्न हौला जिहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मनुख महान है, किस तरह इहदी समस्या महान है, इहदा प्रश्न बड़ा उच्चा है, इहदा सवाल बड़ा उच्चा है। कई दफा मनुख की असलीयत उहदे सवालों तो भी पता चल जाता है, ये कित्थे खड़ा है, ये की है। तो योगियों के प्रश्न बड़े बुलंद सन, बड़े उच्चे सन, और ये सिद्ध गोश दे दर्ज ने। सवाल करते ने सिद्ध, जवाब देते ने गुरु नानक। सिद्धां नूं जवाब देंदे ने, मौलवियां नूं जवाब देंदे ने, हरिद्वार ते बनारस दे पांदियां नूं जवाब देंदे ने, मौलवियां नूं और बड़े बड़े हुक्मरानां नूं जवाब देंदे ने। सारे गुरु नानक ते सवाल करदे ने, गुरु नानक किसे ते भी सवाल नहीं करदे, सवालां दा जवाब देंदे ने। आप दी ग्यात लई अर्ज करां, सवाल एक बोझ आउंदा है ते सवाल दुख तो निकलता है, सवाल तो एक समस्या है। इस वास्ते भारत देश दुखी बंदे नू कह देंदे ने कोई सवाली जापदा है, ऐते कोई सवाली जाप, सवाल निकलता ही दुख दे चल। हाँ मनोरंजन नावें पुछदा पे उपर उपरों गल वखरी है, अगर कोई सवाल गहराई चो निकलिया ये उहदी समस्या आउंदी है, उहदी लोड़ आउंदी है। और सवाल दा बोझ उदों हिरदे तो उतरदा जद सही जवाब मिल जाए, सही उत्तर मिल जाए, नहीं तो प्रश्न बोझ बनया रहिंदा है। पढ़ लो जन्म साखी, हरिद्वार दे ब्राह्मण गुरु नानक दे धड़ाधड़ सवाल करदे ने, बनारस दे पांदे करदे ने, सुमेर दे जोगी करदे ने, जद्दा दे खाना खुदा ते मदीने दे हाजी मौलवी आलम फाजल गुरु नानक ते सवाल करदे ने। गुरु नानक किसे ते सवाल नहीं करदे, सवालां दा जवाब देंदे ने। मक्के दे जिहड़ी पहली गल पुछी गई होए, पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, दसो
कुरान दी आयतां पढ़दे ने ते कुरान दे अर्थ करदे ने, ऐनी ये महान किताब है, मुकद्दस किताब है। एदे च इतनियां कीमतियां गल्लां ने, इस्लाम महान है। तुसी दसो हिंदू वड्डा है के मुसलमान? पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजी हो शुभ अमला बाजो दोनों। ना हिंदू वड्डा है ना मुसलमान वड्डा है, जिदे करम उच्चे ने जिदे आमाल उच्चे ने बस ओही उच्चे। हर जगह सतगुरु देव जी महाराज जवाब देंदे ने, सुमेर दे पर्बत ते जो जोगियां दे नाल लंबी चौड़ी गोष्ठी हुई है, वो तो किसी वक्त फिर अर्ज करांगा। लेकिन जोगी कहिंदे ने इह बाणा क्यों पहने है, किस कारण इह भेगने वासी, किस बखर के तुम वण जा रहे, क्यों कर साथ लंघाओ पारे। गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी, साच बखर के हम वंडा वण जा रहे, नानक गुरमुख उतरस पारे। असी ते सच नूं वणजदे हां, सच दा सौदा करदे हां, गुरमुखां दी तलाश है। थोड़े वास्ते बाणा पैन लिया क्योंकि थोड़े नाल गल करने, थानू कुछ गल सुनानी है। करतारपुर दे सतगुरदेव जी महाराज आ गए। हुण भाई गुरदास जी लिखते ने, बाबा आया करतारपुर बेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। इत्थे ग्रस्तियां आला बाणा पहन लिया, जो रोज़ पहनते सन उदासियां आले कपड़े ला दिते। हुण ते सारियां नूं उपदेश करना है, हुण सारियां नूं समझाना है। इह इक नीति सी जिस बाणे विच, जिस भांडे विच तुसी रब दे नाम दा अमृत पीना चाहते हो, साडे कोल भांडे हैगे ने, स्टील दे भी हैगे ने, चांदी दे भी हैगे ने, सोने दे भी हैगे ने, मिट्टी दे भी हैगे ने, किहड़े बर्तन दे छकना चाहते हो, तुहानूं किहड़े बाणे च गल सुनना चाहते हो, असी उस बाणे सुनाण नूं तैयार हां। इतनी फराग दिली गुरु नानक ने दिखाई, इह गल वखरी है, उह फराग दिली अज साडे कोल रही ने। इस वास्ते प्रचार के पक्ष तो असी बिल्कुल पछड़ गए, बिल्कुल पछड़ गए, नहीं दस सके जगत नूं। कदी इतिहास पढ़ो, कुल 200 मील का भ्रमण है मुहम्मद साहब का, इस्लाम सारी दुनिया च फैले। खच्चर ते बैठ के हजरत ईसा का कुल 300 मील का भ्रमण है, ईसाइत सारी दुनिया च है। नौखंड पृथ्वी का भ्रमण गुरु नानक का, मैं तो सुन के हैरान होया। होंगकोंग चाइना दे जिहड़ा शहर है नानकिंग, नानकिंग कहिंदे ने गुरु नानक दे नाम ते बौद्ध भिक्षुआं ने रखिया सी, बौद्ध मंदिर दे सतगुरु ठहरे, बौद्ध भिक्षुआं नूं उपदेश कीता, उन्हां नूं उस पिंड का नाँ रखिया नानकिंग। शंघाई दे च बहुत वड्डा गुरद्वारा भी सी, कम्युनिज्म दे आंदियां सिख उत्थों निकल आए, होंगकोंग दे जाके वसे। बर्मा गए सतगुरु, सिक्किम गए, भूटान गए, तिब्बत गए, लेह लद्दाख गए, फिर सारा रशिया, रशिया दे चक्र चिन्ह मिले ने, निशान मिले ने, सारा अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, लंका, इतना सारा भरम भरमण और इतना सच का उपदेश दिता संसार नो, सानू कहिंदे ने ते 2 करोड़ भी नहीं ने। चलो इस संबंध च मैं एक निक्की जिहा गल तुहानू सरवण करा दें। यूरोप दे देशां दी सियाहत करके, भ्रमण करके, जब डॉक्टर मुहम्मद इकबाल वापस गया ना अपने देश, उदों देश की वंड नहीं हुई सी। लाहौर दे च पहुंचिया ते उहदे स्वागत दे च बहुत वड्डा जलसा रखिया गया। ते चूंकि हुण चोटी दा विद्वान सी, 3 कवि ये किसे हद तक संत कवि ने, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली ते संस्कृत दे संत कवि रविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल। शायद आपनों पता होवे
गुरु नानक दे बारे डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने बड़ी कीमती नज़म लिखी सी, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। ए गुरु नानक तू कदम कदम दते सच दा दीवा जलाया पर महफिल ते अंधियां दी सी, किसी ने अखा ही नहीं खोलिया। तू कदम कदम दते रहमत दी बारिश की थी पर जमी काबिल न थी, जमीन ते बंजर सी। मेहनत तू गुरु नानक बहुत की थी, उस मेहनत दा फल असी नहीं देखते। इकबाल इंज कहंदा है, लाहौर दे जद वापस आया ते लाहौर दे पतवंतियां ने शायरां ने आलम फाजला ने उहदे स्वागत समारोह दे च बहुत वड्डा जलसा रखिया। इहदे च अच्छे अच्छे साहित्यकार कवि दार्शनिक फिलोसफर इकट्ठे होए। कुछ कवियां ने अपने कलाम सुनाए, कुछ शायरां ने अपने कलाम सुनाए ते फिर उन्हां सारिआं ने इकबाल नूं कहा तुसीं कुछ सुनाओ। लेकिन भरे जलसे दे चों इकट्ठ दे चों मंग आई, तुसीं जिहड़ा यूरप का भ्रमण करके आए हो, सारे यूरप का, असीं होर कुछ नहीं सुनना चाहते, तुसीं ये दसो हिंदुस्तान का धर्म ते यूरप का धर्म इहदी मुशाबत करो, तुलनात्मक गल करो, कंपेयर करके दसो किथे महानता है, तुलनात्मक गल करो। बड़े ध्यान नाल सुनना, कीती है तुलना, इसने कीती है तुलना, सुनाया है। कहिंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। वो धर्म नो शराब नाल तशबीह देंदा है, दूर क्यों जाओ, नाम भी एक नशा है पर होश दा नशा है, शराब भी एक नशा है बेहोशी दा नशा है। शराब पी के ते मनुख अपना नाम भी भुल जांदा है पर नाम दे नशे दे तीन लोकां दा ज्ञान हो जांदा है। सरूर है एक मस्ती, ये भी एक अलग प्रकरण है। ये शराब बनाने का ढंग भी गुरु ग्रंथ साहब जी दसते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भाव बाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा, औधो मेरा मन मत वारा उन मन चढ़ा मदन रस चाकया त्रिभुवन पाया उजारा। सत अठ शब्द ने नाम दी शराब किवें बनाई दी। और गजब दी गल है, नंद लाल जैसा महान शायर गुरु गोबिंद सिंह नूं साखी कहिंदा है, विदेशा की मरा यक जाम अजां रंगे नहीं है दिल, ए मेरे साखी एक जाम मैनू भी दे। पता है साखी किनू कहिंदे ने, जिहड़ा शराब पिलांदा है। नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह नूं साखी कहिंदे ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नूं साखी कहिंदे ने जफरनामे च, विदेशा की या सागरे सबजे गो के मारा बघारस्त जंग अंदरों। ओ साखी अकाल पुरख नूं कह रहे, हे मेरे साखी एक घुट मैनू पिला ताकि मेरी सारी जिंदगी पावन हो जाए। यही नंद लाल कहिंदे ने, विदेशा की मारा यक जाम अजा रंगे नहीं है दिला, बचश्मे पाक भी आसा कुनम ए जुमला मुश्किल आ। इतने उदाहरण मैं इस वास्ते दिते देने नहीं सन, कई कच्ची मत वाले आंदे ने भी की आखदा पे। इकबाल कहिंदे ने, हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगु, हक कहिंदे ने सच नूं। असी पंजाबी उर्दू च सच कहिंदे आ, हिंदी दे च सत कहिंदे ने, फारसी ते अरबी दे च हक कहिंदे ने। हक दा मतलब है सच, हकीकत सच्चाई, हक सच, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। ए गुरु गोविंद सिंह थानू वेख के हक दा पता चलदा, भाव सच दा पता चलदा, थोड़े विचों सच टपकदा है, थोड़े रोम रोम दे चों सच झलकदा है। नंद लाल ऐसा कहिंदे ने।
हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। फिर हुण इकबाल कहिंदा हर चंद हो मुशायद हक की गुफ्तगो। कहिंदा सच दी गल किधरे छिड़ पवे ते अगला मंगे प्रूफ सबूत सच की आउंदा है, की आउंदा है। ध्यान नाल सुनना, हर चंद हो मुशायद, मुशायद मुशायद तुलनात्मक, तुलना कोई करना चाहे आखे दसो सच दी तुलना करके दसो, किसे नाल स्पष्ट करके दसो, किसे चीज नाल तुलना करके दसो। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगो, बनती नहीं है सागरो मीना कहे बगैर। कहिंदा मैं प्याले दी तरफ सुराही दी तरफ इशारा कर देंगा, सच एक नशा है, सरूर है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक सरूर है, एक मस्ती है, किधरे संजोग बनया समा बनया ते इस मस्ती सरूर दे संबंध च कोई 15-20 शब्द ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर, गुरु नानक देव जी दे, गुरु अर्जन देव जी दे और भगत कबीर दे। मैं इन्हां सारिआं नूं संग्रह कीता है, इन्हां नूं टेपां दी शकल किताबां दी शकल ते मैं दित्ती है, पर किधरे लंबी विचारधारा चलदी उत्थे इस नूं मैं संगत दे च रखदा हुंदा। इस वेले इक नुक्ता, जद लाहौर दे पतवंतियां ने साहित्यकारां ने अदीबां ने विद्वानां ने कवियां ने यह आख्या, यूरप दा धर्म ते भारत दा धर्म तुलनात्मक करके दसो, तुलना करके दसो। और असी कुछ नहीं सुनना, और असी जानदे हां यूरप दे धन दे विच ओ अग्गे है, बहुत प्रगति हुई है, बहुत तरक्की कर चुके है, भारत तो अग्गे सानू पता है। असी धर्म दी गल जानना चाहते। तो इकबाल दसदा है, बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने। मशरिक पूरब, मगरिब पश्चिम। कहिंदा पूरब ते पश्चिम दे मैं मैखाने शराबखाने देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साखी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। कहिंदा यूरोप दी शराब किसे कम दी नहीं, ना सरूर ना मस्ती ना गहराई। कहिंदा फिर भी पीण नूं जी करदा, क्यों? प्याले बड़े साफ सुथरे ने, साकी दे पेश करन दा ढंग बड़ा वधिया है, अंदाज बड़ा वधिया है, पीण नूं जी करदा। फिर कहिंदा भारत दी शराब बड़ी गहरी है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है। कहिंदा प्याले बड़े गंदे ने, पेश करन दा ढंग बड़ा गंदा है, पीण नूं जी नहीं करदा, पीण नूं जी नहीं करदा। हुण प्याले कौन, किन्हां नूं प्याले कह रहा है, किस नूं साखी कह रहा है? जो धर्म दा प्रचार कर दे ने, जो धर्म दी गल सुना दे ने, ब्राह्मण ने, मौलवी ने, या साढ़े सिख जगत दे गुणी ज्ञानी ने, या मुखी सज्जन ने। कहिंदा नहीं, नहीं, ये प्याले गंदे ने, पेश करन दा ढंग ठीक नहीं है। कहिंदा भावें शराब च मस्ती है, बड़ा सरूर है, बड़ी गहराई है, पीण नूं जी नहीं करदा, क्यों? साकी दे हथ बड़े गंदे ने, प्याले बड़े गंदे। कहिंदा यूरोप दी शराब भावें बाइबल दे कुछ भी नहीं, कोई गहराई नहीं। गुस्ताखी माफ, किसी धर्म ग्रंथ की मैं निंदा नहीं कर रहा, कहानियां ही कहानियां ने, कोई बहुत गहराई नहीं है। कहिंदा उस शराब दे कोई सरूर नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, लेकिन कहिंदा प्याले इतने चमकते हुए ने और इतने सुंदर ने, ते साखी दे प्याले नूं पेश करन दा ढंग इतना वधिया है, क्रिश्चन बनन नूं जी करदा है। इकबाल कहिंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरिब के मैखाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है साबा। बड़ा स्याणा पुरुष सी, दो पंक्तियां ची सारी गल कह गए।
नौखंड प्रथम जिस ढंग नाल गुरु नानक ने प्रचार किया से इकबाल ने बाद तनज कीती सी बीज नौखंड प्रथम बोए ने गुरु नानक ने इस बगीचे नू माली चंगे नहीं मिले सारा ही बगीचा उजाड़ के रख दिता जिम्मेवारी नहीं महसूस की किसी ने। खैर एवें टूक मात्र गल आ गई मैं अर्ज कर दिती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जोगियां कोल जांदे ने जोगियां दे बाणे च मक्खी च जांदे ने मुसलमानां दे बाणे च जिस बाणे च तुसीं गल लैणा चाहते हो सुनना चाहते मैं सुनाउण नूं तैयार मैनूं कोई इतराज नहीं। पीर दस्तगीर इतना मुतासर होया बैलोल शाह उसका नाम सी ते दस्तगीर उसका तखल्लुस सी जिथे इराक दे बगदाद के अंदर गुरद्वारा बनया होया ये पीर दस्तगीर की जगह अज भी उत्थे उसकी कबर बनी है कब्रिस्तान दे गुरद्वारा है मलकीयत पीर दस्तगीर दे वारसां दी है अज भी वह वारस उत्थे मजौर बन के बैठे ने जगह उन्हां दी है। ये सदाम ने इजाजत दे दी सी गुरद्वारा बनाने की उत्थे गुरद्वारा है उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा लिखी हुई किसने लिखाई पीर दस्तगीर ने लिखाई उस समय लिखाई रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक चार पंक्तियां जिहड़ियां थले ने 500 साल पुरानी अरबी है अज दे अरबी लोग पढ़ते लेंदे सन अर्थ नहीं आउंदे सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुराने बुजुर्ग लभ के उन्हां तो अनुवाद कराया है गुरुद्वारा गजट दे च छपिया सी मैं उस थड़े दियां फोटोआं भी लियांदियां सन अनुवाद मैं थानू सुनावां जो छपिया है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक ये तो कोई भी पढ़ लेगा जो उर्दू जानता है फारसी जानता है इसनों पढ़ लेगा ये वड्डे हरफां च लिखा है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक थले जड़ियां चार पंक्तियां ने रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए उन्हां दी कदम बोसी दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया अरब दी तपदी होई जमीन सरसब्ज होई शायराना अंदाज विच ए लफ्ज इतना ही ना। मैं फिर दोहरावां रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए उन्हां दी कदम बोसी नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया जिहदे नाल अरब दी तपदी होई जमीन सरसब्ज होई ए फड़ी अज भी लगी हुई है उत्थे लगी हुई है थड़ा बनया उसी थड़े ते गुरुद्वारा बनाया। जब पहली दफा मैं गया सी उदों सिंह बिल्कुल नहीं सन एक सिंधी परिवार की दुकान सी उन्हों मैं किधरे गुरु नानक की फोटो देख के अंदाजा ला लिया ये कोई सहीदारी वीर है उस नाल सारी गलबात की थी कहन लगे इत्थे कोई सिंह नहीं उन्होंने नचन सन 73 की गल करदा फिर मैं 78 भी गया सी मैं एक सेंची दे आया चौथा भाग सी धन गुरु ग्रंथ साहब का उस मजौर नो मैं कहे गुरु नानक का कलाम है ये थड़े दे उत्ते सजा के रखे रोज़ चादर नवी बिछांदा सी धो के साफ करके प्रेस करके जिमें कब्र दे उत्ते नवी चादर चढ़ांदा सी रोज़ साफ सुथरी इस तरह थड़े से कब्र दे उत्ते रोज़ गुलाब के फुल रखता से थड़े ते भी रखता से जब मैं उन्हों कहा ये कलाम है गुरु नानक दी कहिंदा है गुरु नानक दी कलाम है कहा हाँ उन्हें सिर ते रख लिया। मेरा बार बार शुकराना कीता तुसी उन्हां दी कलाम मैनू दित्ती है हुण ते गुरुद्वारा बन गया महाराज का स्वरूप भी जो है चला गया कहण तो मुराद नौ खंड पृथ्वी दे गुरु नानक का प्रचार उम्मत साड़ी 2 करोड़ भी नहीं है। इकबाल कहिंदा इस चमन नो माली ठीक नहीं मिले गुरु नानक दे लाए हुए बूटे सुका दिते उजाड़ के रख दिते नौखंड पृथ्वी चला। खैर विचकार गल आ गई सी मैं इतनी थोड़े नाल अर्ज की है जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं उदास नहीं वह परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। निराश उदास तीन कारना करके आंदा है प्रथम बड़ा गहरा स्रोता होवे शब्द चोट कर जाए दूसरा अपनी अकल चोट कर जाए तीसरा कोई संसार तो चोट लग जाए उदास हो जाएगा निराश हो जाएगा
उदास ते निराश बंदा तीन तरह का फैसला करेगा, केड़ा? आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नूं बदलना या खुद नूं भुलाना या खुद नूं मिटाना, इन्हां तिन्हां दे चों एक चुनाव करेगा। जो शब्द की चोट खा चुके है वह तो अपने आप नूं बदलेगा, आत्म क्रांति करेगा। बाकी दोहां तो खतरा है, हो सकता है किधरे अपने आप नूं खत्म करे या अपने आप नूं भुलाने की कोशिश करे। कल सारा खुलासा मैं थोड़े सामने रखे, पर उन्होंने चों भी कदी कदी ऐसा होया संसार तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के उन्होंने अपने आप नूं बदलने की कोशिश की, संत बनने की कोशिश की, प्रभु के मार्ग दिते उन्होंने अपने आप नूं तोरिया। हुण जिहड़ा शब्द तो चोट खा गया, किसी थां तो चोट खा के अपने आप नूं बदलदा है और प्रण करदा है ए गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा, जो तू कहना है मैं तेरे ढंग नाल जीवां, जिस तरह तुसी कहंदे हो। ते वाकई अमृत वेले उठन लग पवे, जप तप करन लग पवे, रहत वहत रख लवे, सब कुछ कर लवे, 10-20 साल हो जान ते होवे कुछ भी ना। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, मैं समाप्ति करा, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले जागे। पहले संसार तो निराश होके उदास होके परमात्मा की तलाश से चल पिया, हुण परमात्मा तो भी निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। क्यों? 10-20 साल लग गए, बहुत दिन लग गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, भई निराशी, निराशा पैदा हो गई कितों? परमात्मा से। पता नहीं कुछ है भी सही कि नहीं, कैवें ही चल पाया। निराशा, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर मैं सगले जागे, खिन रहन न पाऊं बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले सवागे। निराशा पैदा हो जाती है। इस रस्ते देच सतगुर जानकारी करा रहे ने, एक पड़ाव ऐसा भी आ जाता है निराशा घेर लेंदी है, पता नहीं कुछ है भी सही के एवें मैं अमृत वेले टकरा पिया मारदा, घंटा दो दो घंटा जप पिया करदा और सारी साधना पिया करदा, कुछ है भी सही कि नहीं। निराशा जागेगी। उस निराशा भरी हालत विच मनुख दो फैसले कर सकता है, उन्हां दो फैसलों का जिक्र करके मैं समाप्त करा खुलासा कल। पहला गलत फैसला, नास्तिक हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बंगाल का केशव चंद्र महान धार्मिक मनुख, सारा सारा दिन जप करने वाला, अद्धी अद्धी रात को उठ के जप करने वाला नास्तिक हो गया। उन्हें तीन किताबा नास्तिकता से लिखिया। बंगाल दे जो अज 50 साल तो कम्युनिस्टा की हकूमत चली आ रही है, ठीक है कम्युनिज्म का प्रचार भी है पर ये केशव चंद्र का हथ भी है। वो कहता सी अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। अन्न तो अन्न पैदा होंदा है, घास तो घास पैदा होंदे, पशुआं तो पशु पैदा होंदे ने, मनुखां तो मनुख पैदा होंदे ने। रब नूं विचकार लैण दी की लोड़ है? कोई रब नहीं, कोई परमात्मा नहीं। केशव चंद्र बंगाल जे 50 साल तो कम्युनिस्ट है ते कम्युनिस्टां दी हकूमत चली आ रही है, उहदे केशव चंद्र दा भी हथ है, पर ये बड़ा धार्मिक मनुख से महान नास्तिक हो गया, महान नास्तिक हो गया। मैं सिख जगत दे भी कुछ चोटी दे दाना सियाने मनुख जानना नास्तिक हो गए। यह भी मैं अर्ज करता स्टेज उते कई ना लेना, पर ऐसा नहीं है कि पहले आस्तिक नहीं सन, सब कुछ करते सन। हालत यह हो गई भई निराशी, पहले संसार तो निराश होके परमात्मा की तलाश की थी, हुण परमात्मा तो भी निराश हो गए। ऐसी हालत विच गलत फैसला तो यह हो सकता है कि नास्तिक हो सकता है। पक्का नास्तिक, खतरनाक नास्तिक वो होता है जो पहले धार्मिक होता है, यह भी मैं कर। दूसरा फैसला कि हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हे गुरु जो कुछ मैं करना सी कर लिया, इहदे नाल कुछ नहीं होया, तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। ये अरदास दिल की गहराई चो निकलती है और एक ही दफा होंगी है, पूरी हो जाती है।
पूरी हो जाती है। मनुख की सुरत जुड़ जाती है, मनुख समाधि लीन हो जाता है, फिर उही मनुख कहिंदा है ऐ गुरु नानक दे बोल सुन लो, घाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। घाल ना नाल ते तू नहीं मिलिया, सेवा नाल ते नहीं मिलिया, दान पुन नाल ते नहीं मिलिया, जप तप ते नाल नहीं मिलिया, तू अचन चेत मिलिया। इस वास्ते किसे संत ने ए नहीं आखिया तू मिले है मेरी मेहनत है, हर एक ने आखे तू मिले है तेरी रहमत है, तू मिले है ये मेरा प्रयास नहीं, तू मिले है ये तो प्रसाद तेरा प्रसाद है, तेरी बख्शिश है तेरी रहमत है। इहदे उत्ते बाकी खुलासा मैं कल करांगा। गुरमुख प्यारे रागी सिंघां दा मैं समां ना लवां, जिन्हां ने सुंदर धुनां नाल तुहानूं करते पुरख नाल जोड़ना है, मैं इत्थे समाप्ति करां, बाकी लड़ी कल जोड़ांगे। बोल चुक दी छवां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।